पिंपळगाव रांचायती जश्न ईदी मिलादुन नबी उत्साहात साजरी। 28 सप्टेंबर रोजी खामगाव तालुक्यातील पिंपळगाव राज्य येथे इमाम तजीम संघटना पिंपळगाव राज्याच्या वतीने जश्न मिलादुन नबीच्या निमित्ताने सालाबादाप्रमाणे गावातून मिरवणूक काढण्यात आली। ही मिरवणूक ठाणेदार मुकेश गुजर व पोलीस प्रशासन यांच्या चोख बंदोबस्तात पार पडली। या मिरवणुकीत शांततेचा व सुव्यवस्थेचा संदेश देण्यात आला। चारचाकी गाड्या व लाऊडस्पीकरसह निघालेली मिरवणूक मोहम्मद खालिक इमानदार यांच्या निवासस्थानापासून सरकारी दवाखाना समशीरपुरा गौसिया मस्जिदपासून ग्रामपंचायत चौक मेन रोड त्यामागे वळून मराठी शाळेपासून मालवीपुरा तकिया मस्जिद कामठा मेन रोड ईदगाहपासून वळून पुन्हा ग्रामपंचायत चौक येथे विसर्जित करण्यात आली। सकाळी 7 ते 10 या वेळेत ईद निमित्ताने निघालेली ही मिरवणूक शांतता कायदा व सुव्यवस्थेचे पालन करीत पार पडली। या मिरवणुकीमध्ये सर्व समाज बांधव मोठ्या उत्साहाने सहभागी झाले होते। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी शान और शौकत से पिंपळगाव राजा के अंदर मनाया गया। जो शासन की गाइडलाइन थी सुबह 7 बजे से 11 बजे तक, उसके पहले ही 10 बजे इस प्रोग्राम को समाप्त किया गया। जो संविधान का पालन करते हैं वो हर समय अपने जुलूस को अपने प्रोग्राम को समय से पहले खत्म करते हैं। जो कुछ अराजक तत्वों के लोग जश्न विलादत को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, अल्लाह ने उनके मुंह में खाक डाला है। जश्न विलादत हम हर समय मनाते रहेंगे और मनाते रहेंगे, क्योंकि आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये पैगाम देते हैं कि अपने शहर में अपने देश में अमन और शांति का गेवारा होना चाहिए, और हमारे शहर को हम अमन और शांति का गेवारा बना के रहेंगे। आज दो त्यौहार है, हमारे हिंदू समाज के जो भाई है उनका भी गणेश विसर्जन है, वो भी इसी शांति के साथ यहाँ पर समाप्त होगा। जश्न विलादत सुबह मनाया गया, दोपहर से वो अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, पर हम आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सभी अहले सुन्नत वल जमात और आशिके मुस्तफ़ा को आज यहाँ से पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि जश्न विलादत एक अमन और शांति का पैगाम लेके आया, और पूरे विश्व में अमन और शांति के साथ जश्न विलादत मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा। हम सभी यहाँ के प्रशासन ने जिस तरीके से हमारे को सहयोग किया, मदद किया, हमारे साथ आगे पीछे चला, हम हमारे माननीय थानेदार साहब का भी स्वागत करते हैं और पुलिस प्रशासन का भी स्वागत करते हैं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी मदद की, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे जो लोग यहाँ पे जश्न विलादत मनाए हैं, अब यहाँ से हम सबके सब अपने अपने घर चले जाएंगे शांति के साथ, और इंशाल्लाह आने वाले साल इससे भी बढ़ के जश्न विलादत मनाएंगे इंशाल्लाह।